एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बना रही हूँ मसालेदार शिकंजी। आपने शिकंजी तो पी होगी, बट मैं आपको मसालेदार शिकंजी बना के दिखा रही हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है मसालेदार शिकंजी। मसालेदार शिकंजी बनाने के लिए हमने लिया है 4 चम्मच चीनी, थोड़े से आइस क्यूब्स और 1 हमने लेमन लिया है। ये है मसाला, शिकंजी मसाला। ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में देख सकते हैं, मैंने अभी वीडियो दी है इसकी। और ये 2 ग्लास पानी, तो 2 ग्लास पानी को हम एक बर्तन में डाल लेंगे और इसके अंदर हम लेमन का जूस निकाल लेंगे और डाल देंगे इस तरह से। 2 ग्लास के अंदर 1 बड़ा लेमन डलेगा। और ये हमने 4 चम्मच चीनी ली है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और ये जो मसाला है, 2 ग्लास के अंदर हमने 1/2 बड़ा चम्मच, या आप 1 छोटा चम्मच ले सकते हैं, मैं 1/2 बड़ा चम्मच ले रही हूँ, 1/2 चम्मच बहुत होगा। इसके अंदर हम हैंड ब्लेंडर चला लेते हैं। ये चीनी हमारी पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई है, उसके लिए हमने ब्लेंडर चलाया। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप किसी चम्मच या किसी कड़छी की हेल्प से भी चीनी को घोल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आइस क्यूब्स, इसको हम ठंडा कर लेते हैं, इसे भी हम ब्लेंडर की सहायता से ही घोल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि मसालेदार शिकंजी हमारी बनकर तैयार है। इसे हम सर्व करने के लिए ग्लास में डाल लेते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे आइस क्यूब, 2 हमने आइस क्यूब डाल दिए इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम डालेंगे मसालेदार शिकंजी। आप देख रहे हैं कि हमारी शिकंजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है और बिल्कुल भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। आपको और कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने मसाला घर में बनाकर रखा हुआ है। अगर आपने नहीं रखा तो आप मेरी वीडियो देखकर मसाला बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मसाला है, तो बहुत ही अच्छी हमारी शिकंजी ये सर्व करने के लिए तैयार है। उम्मीद है आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, आप इसे जरूर ट्राई करें। गर्मी का मौसम है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।